बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी आज मैंने लगा दी है मशीन अपने और अपनी बेबी के कपड़े वॉश करने के लिए। और भाई ओ मेरे खुदा, खड़े हो जाओ, इतना ज़्यादा सर्फ लेकर आ गया मेरा भाई। हाँ जी, सर्फ चाहिए था मुझे। लाइट चली गई फिर। अच्छा ये डबल किसी ने, मैंने नहीं लगाया, वन वे लगाती हूँ मैं, डबल वे नहीं लगाती। जोया ने अपने सारे बर्तन धो लिए, मतलब सारे नहीं धोए, ये वाली देश की बिरयानी वाली भी गंदी है ना। मेरी मशीन ने आवाज दे दी है मुझे, मेरा दिल ये पुकारे तू आ जा और मुझे वॉश कर ले। हाँ जी मैं आ चुकी हूँ और अब मैं अपने कपड़े वॉश करूँगी। ये जगह जल्दी से खाली कर दो ताकि मैं यहाँ पे अपने कपड़े वॉश कर दूँ, या झाड़ू लगा लेना साफ कर लेने में, आती हूँ ठीक है। तो जी कपड़े वॉश करने के बाद हम आ चुके हैं अचानक से मार्केट, जो कि हमारे घर के पास ही है। और मेरे जो सिलाई मशीन है उसकी मोटर ख़राब हो गई थी, तो उसे ठीक कराने के लिए हम आ गए थे। काफ़ी सारे कपड़े घर वाले पड़े हुए स्टिच करने के लिए, तो मैंने सोचा आज ये मोटर जो है ना इसकी तार चेंज करा ही दूँ। तो मैं हया के साथ आई हूँ, साथ में बेबी भी आई है और मेरा जो भतीजा है मुजम्मिल वो भी साथ आया हुआ है। तो बस हमारा और कोई काम नहीं था, बस यहाँ पर जो है ना मोटर की तार लगवाने ही हम आए हुए थे। मोटर की तार लग रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो भी शूट कर ली जाए। और इसके अलावा जो है ना बाहर हम निकले तो गरम गरम यहाँ पे समोसे फ्राई हो रहे थे, रोल समोसे, तो शाम की चाय के साथ फिर हमने रोल और समोसे भी ले लिए थे। तो इसके बाद हम घर की तरफ चले गए। तो फिर यहाँ पे रात का टाइम हो रहा था और थोड़ी सी मैक्रोनी मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो फ्रूट चाट बना लिया जाए। तो मैंने मैक्रोनी को बॉईल करने के लिए रख लिया था और थोड़े से यहाँ पे बनाना थे हमारे पास, और 3 अदद एप्पल थी और ये थोड़ी सी बची हुई कल वाली क्रीम थी। और मैंने जो है ना एप्पल और बनाना को कट किया, मेयोनीज शामिल किया, क्रीम शामिल की, और सबसे लास्ट में जो है ना अब मैं इसमें शामिल कर लूँगी मैक्रोनी, ये बॉईल की मैक्रोनी है। तो ये मज़ेदार सी शॉर्टकट वाली झटपट वाली हमारी क्रीमी फ्रूट चाट, मैक्रोनी फ्रूट चाट कुछ भी कह दें, तो ये रेडी हो गई है, बहुत ही यम्मी मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। तो जी फ्रूट चाट खाने के बाद ना फिर मैंने मोबाइल हाथ में लिया और फिर ड्रामे देखने लगी। ड्रामे देखते देखते फिर मैं सो गई। अस्सलामुअलैकुम, टुडे मॉर्निंग, तो सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। तो व्लॉग आज का स्टार्ट करते हैं। तो ये वाले कपड़े मैंने वॉश किए थे, वो वहाँ तक हमारे कपड़े हैं, ये ड्राई हो चुके हैं, जो बाकी हैं वो टप में पड़े हुए, वो भी जो है ना मैं तार पर डाल दूँगी। तो मम्मी मुझसे पूछ रही है कितने अंडे बनाने, मैं 2 बनाने हैं बेबी के लिए और एक जो है भाई के लिए। ये नाश्ता बना रही है हमारे लिए, अंडे शंडे बना रही, अंडे शंडे खाता हूँ तेरे लिए। अच्छा मैं बना रही, फिर मुझे आवाज़ दे दी ना, मैं पराठे बना लूँगी। जब तक जो है ना मैं इस धूप में बैठ जाती हूँ, इस धूप में बैठ के ना इस टाइम बड़ा सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है, थोड़ी देर बंदा बैठ जाए इसमें। और यहाँ पे देखें ये सूरज जो है ना बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है, बस थोड़ी देर बाद ना ये दीवारों पे चला जाएगा सूरज। और ये कपड़े अच्छे से ड्राई हो गए हैं, जब तक धूप ना लगे ना कपड़ों पे तो ड्राई अच्छे से नहीं होते, तो इसलिए मैं इसे एक रात और एक दिन के लिए छोड़ ही देती हूँ। तो जी अभी अम्मी नाश्ता बना रही है, चाय बनाएंगी साथ में अंडे बनाएंगी, उसके बाद फिर मैं पराठे बनाऊँगी। मैं थोड़ी देर, जब तक मैं 10 से 15 मिनट के लिए धूप में, यहाँ मैंने नाश्ता लगा लिया है, आज सिर्फ चाय अंडे पराठे और रात का सालन देखते हैं। रात का सालन है, अच्छा है यहाँ पे, यहाँ रात का सालन चिकन आलू गोश्त बना, चिकन आलू गोश्त चिकन आलू बना है और इतना स्टीम निकल रहा है कि नज़र कुछ नहीं आ रहा। खैर तुम दे प्लेट में डाल, मैं वेट करती हूँ यहाँ पे बैठ के,
नाश्ता करने के बाद ये सारे कपड़े मैं उठा दूंगी अपने, क्योंकि बस ज़्यादा हो गया है ड्राई। धूप में बैठ के आज फिर नाश्ता कर रहे हैं, मोबाइल चार्ज पे लगा लेती हूँ, तो मिलते हैं थोड़ी देर। तो यहाँ पे अब जो है ना लंच की तैयारी होने लगी है। अम्मी मटर छील रही है, भाई लेकर आए थे आलू मटर गाजर। तो यहाँ हमारे पास पहले से भी फ्रीज किए हुए टमाटर और फ्रीज किए हुए मटर मौजूद है, तो जो पहले से मौजूद थे आने का मैं उसकी सब्ज़ी बना लेती हूँ, और जो अम्मी अभी छील रही इसे फ्रीज करके हम रख लेंगे। और यहाँ पे जो है ना मेरे अपने शूज़ भी दिखा देती हूँ, जो मेरे पुराने शूज़ थे। अम्मी ने मुझसे कहा अब इसे घर में पहना करो, क्योंकि आप न्यू शूज़ लेकर आई हो कहीं जाती हो तो वो पहना करो। मैंने कहा ये आइडिया भी अच्छा है। तो जी आज के व्लॉग का एंड मैं बस यहीं पे करने लगी हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो अच्छा प्यारा सा कमेंट कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर दे। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।